अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ोया खान और मैं एज अ हेयर एक्सपर्ट एंड टेक्टिकल एडवाइज़र इजी कलर के साथ काम कर रही हूँ। मैंने अपने जर्नी का स्टार्ट दुबई से लिया था और एज अ हेयर एक्सपर्ट 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने डिफरेंट कंट्रीज से अपनी सर्टिफिकेशन कंप्लीट की। PCS के लिए मैं पेरिस गई, वहाँ जाके मैंने अपनी सर्टिफिकेशन कम्प्लीट की और हेयर ड्रेसर का जो कोर्स है वो मैंने मास्को से किया। उसके बाद पाकिस्तान आके मैंने इजी कलर को ज्वाइन किया एज अ हेयर एक्सपर्ट। आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ इजी कलर की हेयर एकेडमी में, से आपसे मुखातिब हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्लीचिस के हवाले से है, जिसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज में ब्लीचिस आते हैं, जिसमें फर्स्ट पे हमारा डस्ट फ्री ब्लीच है। और हम बताएंगे कि डस्ट फ्री ब्लीच आप कहाँ और किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। डस्ट फ्री ब्लीच हम रिकमेंड करते हैं उन हेयर्स के लिए जो वर्जन हो, या उन क्लाइंट को जो कट डाउन या प्री लाइटनिंग डी कलर की तरफ जाना नहीं चाहते, तो हम ब्लीच वॉश में इसको यूज़ करवा सकते हैं अपने क्लाइंट को। लो लाइट्स करते वक्त हम इसको यूज़ करवा सकते हैं और वो कलर्स जिनके लिए हम ज़्यादा डी कलर नहीं करना चाहते हैं, तो ब्लीच वॉश के ज़रिए हम उन कलर्स पर काम कर सकते हैं। जैसे अमूमन हमारे पास क्लाइंट की डिमांड होती है 7.3 की या 7.003 की या 8.0 के डाइज हैं, तो उसमें हमारे क्लाइंट की डिमांड ये होती है कि आप प्रॉपर प्री लाइटनिंग ना करें, कट डाउन ना करें, तो वहाँ पे आप ब्लीच वॉश के ज़रिए काम कर सकते हैं डस्ट फ्री के साथ। डस्ट फ्री के साथ हम मेटेलिक्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जो हमारे हिना ट्रीटेड हेयर है उसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये आपको लिफ्टिंग देगा। साथ में अगर आपने 10 लिफ्टिंग करना है, 10 से ऊपर जाके लिफ्टिंग करनी है, तो उस टाइम आपको हम रिकमेंड करते हैं डस्ट फ्री ब्लीच के आप इसके साथ प्री लाइटनिंग करें और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। जैसे हमारे एश ब्लॉन्ड के कलर्स है, उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट को कि आप डस्ट फ्री ब्लीच को यूज़ करें। इसके अलावा अब बात आती है इसकी मिक्सिंग रेशियो की और वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम्स में हम रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट को कि आप 20 वॉल्यूम यूज़ करें, साथ 30 वॉल्यूम। 40 वॉल्यूम हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि वो आपके बालों में ड्राइनेस ले आ सकता है, आपके बालों को डैमेज कर सकता है। तो ब्लीच वॉश में और प्री लाइटनिंग में करते वक्त हम 30 वॉल्यूम ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं। अगर आपका बाल थिन है तो उस टाइम आपको 20 वॉल्यूम यूज़ करना चाहिए, और अगर आपका बाल थिक है तो देन आपको 30 वॉल्यूम के साथ काम करना चाहिए। इसके अलावा इसकी मिक्सिंग रेशियो जो है, अगर हम फ्री हैंड टेक्निक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इसको 1:1 की रेशियो से यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्री हैंड टेक्निक में हम ब्लीच की जो रेशियो है उसको थिक रखते हैं, क्योंकि उसमें कोई फॉयल हम यूज़ नहीं कर रहे। वहाँ पर हमें ब्लीच की थिकनेस को ज़्यादा रखना है क्योंकि वो फ्री हैंड टेक्निक्स होते हैं। फ्री हैंड टेक्निक अमूमन हम बालियाज के अंदर यूज़ करते हैं, और जो हमारे लो लाइट्स है, लो लाइट्स पे जब हम जाते हैं तब भी हम ब्लीच की जो क्वांटिटी है, जो मिक्सिंग रेशो है, वो 1:1 के उससे हम रख सकते हैं। हेना ट्रीटेड हेयर और मेटेलिक्स के ऊपर जब हम काम करते हैं 6 के लेवल पे, वैसे तो हमारी जो ब्लीच है ये आपको 10 लेवल लिफ्टिंग का काम करती है, लेकिन जो हमारा मेटेलिक और हेना ट्रीटेड हेयर जो होता है, क्योंकि उसका क्यूटिकल लॉक हो चुका होता है और उसमें इतनी वो अंदर से कमज़ोर हो चुका था, वीक हो चुका होता है, उस पर हम इतनी ज़्यादा प्री लाइटनिंग नहीं कर सकते। अगर आपका मेटेलिक हेयर ब्लैक लेवल का है या ब्लैक हेयर है, तो उस पर तो आप 6 के लेवल पे डस्ट फ्री के साथ काम करेंगे। अदरवाइज अगर आपका ब्राउन है या ब्राउन से ब्लॉन्ड की तरफ है, तो उस पर फिर आप प्री लाइटनिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं, डस्ट फ्री आपको 10 लेवल तक की लिफ्टिंग करके दे देगा। इसके अलावा आप जब आजकल के ट्रेंड में फ्री हैंड टेक्निक्स, बालियाज टेक्निक्स चल रहे हैं, उसमें आप इसको यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि लिटल बिट वहाँ पे हमने प्री लाइटनिंग करनी होती है, तो उस टाइम हम अपने क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं कि आप डस्ट फ्री के साथ आप काम करें, प्री लाइटनिंग करें, और साथ में आपका जो लेवल है वो अचीव हो जाएगा। जैसे हमारा 6NW अगर मार्केट में डिमांड आती है आपको 6NW की, और आपका जो हेयर है लेवल 3 का है, तो उस पर आप जाके काम कर सकती हैं डस्ट फ्री के साथ। आप ब्लीच वॉश कर दें, ब्लीच वॉश का मेथड हम साथ में अभी एप्लीकेशन करके भी आपको बताएंगे, उसकी मिक्सिंग कैसे है वो हम आपको अभी बताएंगे।
आप 7.0 या 8.0 पे अगर आप काम कर रही हैं तो 8.0 के लिए आप प्रॉपर डाइस में प्रॉपर प्री लाइटनिंग करेंगी। उसमें आपको जो आपका लेवल है वो आप 7 लेवल तक प्री लाइटनिंग कर सकती हैं, और अगर आप हाइलाइट्स में जा रही हैं या आप कैप स्टिक्स में जा रही हैं तो उसमें आप एश ब्लॉन्ड के कलर्स के लिए डस्ट फ्री ब्लीच को आप यूज़ कर सकती हैं। डस्ट फ्री ब्लीच के हवाले से मज़ीद नॉलेज मैं देती चलूँगी, क्योंकि हमारे जो डस्ट फ्री ब्लीच है, एक तो ये ब्लू के साथ बन के आया है। जिन हेयर में आप लोगों को कॉपर का सामना करना पड़ता है वहाँ पे ये कॉपर को न्यूट्रलाइज करके आपको 8 का लेवल आसानी अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ब्लीचेस में एक खसूसियत ये भी है कि अमूमन गर्मियों में जब आप ब्लीच की मिक्सिंग करती हैं तो वो स्वेल हो जाती है, बॉल से बाहर आ जाती है, तो हमारी ब्लीचेस में ये चीज़ें नहीं होती। आप उसको घंटे तक भी रखेंगे तो वो बॉल के अंदर ही रहेगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें ब्लीच वॉश आपने कैसे करना है, और अपने डायरेक्ट से लिफ्टिंग जो है वो किस तरह करनी है, उसकी मिक्सिंग रेशियो पे हम चलेंगे। हमारे पास डमी है और हम डमी पे आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे। ब्लीच वॉश के लिए हम मिक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, डस्ट फ्री ब्लीच के साथ। अमूमन मार्केट से ब्यूटिशियन की एक कंप्लेन आती है, मिक्सिंग से पहले मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूँगी कि जब आप लोग ब्लीच को ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन करने के बाद पैकिंग इसकी कुछ इस तरह की होती है, पहले इसमें पैक होता है, उसके बाद हमारी वहाँ ब्लीच पाउडर होती है। ब्यूटिशियन सबसे पहले मिस्टेक क्या करती हैं कि जब इसको यूज़ करती हैं तो इसको ओपन छोड़ देती हैं, और मार्केट से कंप्लेन यही आती है कि पहले से ही काम कर रहा था, बाद में काम नहीं कर रहा। तो वहाँ पे क्या होता है कि इसको आपने टाइट रखना है, इसमें जब हवा जाती है तो फिर ब्लीचेस वो रिज़ल्ट नहीं देते जो हमें चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे, ये जो पैकिंग होती है इसको आप पेंका मत करें, क्योंकि उतार के आप पेंक देते हैं, और जो आपका ब्लीच है उसको आप ऐसे ही बॉटल में डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपको मार्केट में हमें यही कंप्लेन आती है कि ब्लीचेस पहले अच्छे रिजल्ट दे रही थी अब नहीं दे रही। तो उसके लिए उसके बाद ब्लीचेस में हमारे पास ये स्कूप आता है जो 25 ml है। अगर किसी के पास स्केल नहीं है, आप अमूमन हम रिकमेंड करते हैं कि आप स्केल के साथ काम करें, अगर नहीं है तो जो हम बता रहे होते हैं कि आप 25 ग्राम या 25 ml, ठीक है, तो आप उसकी जगह आप ये स्कूप यूज़ कर सकते हैं। स्केल हमने स्टार्ट कर दिए और यहाँ से हम लेंगे, उसके बाद ये आपकी पैकिंग है, इसको आपने अच्छे से बंद कर देना है। अमूमन सलोन्स पे जो बच्चियाँ काम कर रही होती है उसको ओपन छोड़ देती है, जो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए 20 वॉल्यूम। ब्लीच वॉश में अमूमन जब आप काम करते हैं वॉल्यूम्स के साथ तो आपने 1:1 के रेशो से ही काम करना है। यहाँ हमारे पास 25 है और अब इसमें हम 25 ml 20 वॉल्यूम ऐड करेंगे। और लास्ट में हम क्लेरिफाइंग शैम्पू ऐड करेंगे जो आपके क्यूटिकल को ओपन करने में हेल्प करता है, और ये हम इसमें ऐड करेंगे 25 ml। अच्छा, बाउल में हमने ब्लीच, डेवलपर और क्लेरिफाइंग शैम्पू जो है वो डाल दिया, ठीक है। मिक्सिंग रेशियो आपको दोबारा बताती चलूँ, 25 ग्राम हमने इसमें डस्ट फ्री ब्लीच लिया है, और 25 ml हमने 20 वॉल्यूम, और 25 ml हमने क्लेरिफाइंग शैम्पू लिया। अच्छा, इसकी मिक्सिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। अमूमन आप लोग जब मिक्सिंग करते हैं तो आप लोगों की मिस्टेक ही होती है, जिसमें आपकी ब्लीच प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होती, और उसके बाद आपके उसके रिज़ल्ट आपको कैसे मिलते हैं। जब आप एप्लीकेशन करती हैं तो कहीं पे डार्क और कहीं पे लाइट हेयर हो जाता है। इसके लिए आपकी जो मिक्सिंग है, जब आप ब्लीच वॉश की करें, कलर की करें, या आप प्री लाइटनिंग की करें, तो ये आपकी मिक्सिंग होनी चाहिए इस तरह। अब देखिए, जो मैंने फर्स्ट स्टेप किया था उसमें देखिए ब्लीच इस तरह हो गई है। तो हम ब्लीच को, जो ब्लीच की मिक्सिंग है वो ऐसे आप करेंगे, और साथ में हम
आज आपको एप्लीकेशन का भी मेथड बताएंगे कि आपने एप्लीकेशन कैसे करनी है। और ब्लीच की मिक्सिंग तब तक करनी है जब ये सारी ब्लीच और डेवलपर आपस में मिक्स हो जाएंगे। देखें इसमें अभी टाइम है। अच्छा, मिक्स करते वक्त क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज आपने मिक्स करना है और ये बहुत अच्छा सा स्मूथ सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये देखें। और अब ये रेडी है एप्लीकेशन के लिए। जब तक आपकी ब्लीच इस फॉर्म में नहीं आ जाती तब तक आप एप्लीकेशन मत करें। एंड हमारे पास जब भी क्वेश्चंस आते हैं और क्लाइंट ने हेयर पे काम किया होता है या जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है मेरा वो हेयर लेवल्स के हवाले से होता है। और आप लोगों के जो क्लाइंट्स के हेयर के लेवल्स जो होते हैं वो जब आप लोग प्री लाइटनिंग करते हैं या आप लोगों ने कलर किया होता है तो क्लाइंट्स बताते हैं कि वहाँ पे ब्लोंड का कलर है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये आपका ब्लोंड नहीं है, ठीक है। इसमें अगर आप देख सकते हैं तो इसमें येलो भी आ रहा है और इसमें कॉपर भी आ रहा है। तो कॉपर जहाँ पे आएगा पहले हमने कॉपर को ख़त्म करना है, उसके बाद आप आगे जाके मूव कर सकती हैं। जैसे आप अगर आपने हाइलाइट्स करने तो उसमें आप स्पेशली हमारे 1113, 1101, 1110 के हाइलाइट्स के लिए आप उस पर प्री लाइटनिंग करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं मेरा तो लेवल लाइट था तो रिज़ल्ट सही नहीं आया। तो इसको आपने मद्देनज़र रखना है कि आप लोगों का जो ये लेवल है, ठीक है, ये बिल्कुल 9 का लेवल नहीं है, ये 8 का लेवल नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें कॉपर भी है और इसमें येलो भी है, ये 7 का लेवल है। डीपली इसलिए बताया कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे लोगों को वो सॉल्व हो जाए। अच्छा, हमने यहाँ पे ब्लीच वॉश के लिए अगर हम लेते डमी को जिनका लेवल लेवल 3 होता, ब्लैक हेयर होते, तो उसके लिए हम 30 वॉल्यूम यूज़ करते। तो ये आपका 7 का लेवल है, ठीक है। और 7 का लेवल ऐसा नहीं है कि आप शेड कार्ड पे हेयर्स हम रख के बता दें कि ये 7-0 कलर है। मैं अंडरटोन पिगमेंट्स की यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि इसमें अभी कॉपर और यहाँ पे आपका येलो दोनों पिगमेंट्स आ रहे हैं। जो आपके कॉर्टेक्स में पिगमेंट्स होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। हम ब्लीच और ब्लीच वॉश इसलिए करते हैं कि आपके जो कॉर्टेक्स के अंदर आपके पिगमेंट्स हैं उसको हम डिफ्यूज़ कर सकें और अपनी मर्जी का जो भी कलर है जो हमारे क्लाइंट की विश है उसको हम डिपॉजिट कर सकें। ब्लीच वॉश स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले जो मिस्टेकें अमूमन हम करते हैं उसमें सबसे पहले हम ये आपके सेक्शनिंग होते हैं, ठीक है, फिंगर से। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बेशक आप यूज़ करें, फिंगर से भी सेक्शन लें, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप कॉम के साथ सेक्शन लें, ठीक है। और सेक्शन आपका नीट होना चाहिए और सेक्शन आपका फाइन सेक्शन होना चाहिए। हाफ इंच से भी कम का सेक्शन आप ले। इसमें होता क्या है कि जब आप एप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि हम ब्लीच वॉश या कट डाउन या प्री लाइटनिंग या डी कलर, अमूमन क्वेश्चन आते हैं डी कलर क्या है, डी कलर भी कट डाउन को बोला जाता है, कट डाउन या प्री लाइटनिंग भी कट डाउन का को ही कहा जाता है, लेटेस्ट नेम है इनके। अच्छा, जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो सबसे जो बड़ी मिस्टेक, सबसे जो कॉमन मिस्टेक है, हाथ के साथ लिया और ये, तो आपने हाथ के साथ नहीं करना, ये आप ब्रश लेंगे और ब्रश लेने से पहले आपका ब्रश नीट होना चाहिए। ये हमने लिया और ये आपका, जब तक आप प्रोडक्ट लगाने में अगर आप कंजूसी करेंगी तो बाद में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं हेयर में। और हमने रूट से 1 इंच छोड़ के अपने ब्लीच वॉश का, जो ब्लीच वॉश है अगर आप डाई कर रहे हैं डाई का भी यही मेथड है, अगर आप ब्लीच वॉश कर रहे हैं उसका भी यही मेथड है। सेक्शन आपका हाफ इंच, ठीक है, 1 इंच तक आप ये लें और इसमें हमने अप्लाई किए और आप देख सकते हैं कि हेयर के अंदर तक हमारा प्रोडक्ट
जा चुके हैं, ठीक है। इस पर क्या होता है कि हमारे पैचेस नहीं बनते, हमारी जो प्री लाइटनिंग है वो सही हो जाती है। अगर आप ब्लीच वॉश करें तो जब ये लाइट होगा तो इक्वल होगा। एप्लीकेशन हमने कर ली है, ठीक है, और एप्लीकेशन जैसे ही आप प्रॉपर फुल हेड की एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन के बाद टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात के ब्लीच वॉश करें तो 10 मिनट्स 15 मिनट्स, कभी हमने इस चीज़ को देखा ही नहीं है कि हम जब वॉल्यूम्स पे काम करते हैं तो वॉल्यूम्स के टाइम के साथ हमने काम करना होता है। हमने 20 वॉल्यूम यूज़ किया था और 20 वॉल्यूम के जो टाइमिंग है वो 30 मिनट्स है। अब जो लिफ्टिंग है, लिफ्टिंग अगर आप करेंगी ब्लॉन्ड हेयर्स पे, जिसको यूरोपियन हेयर भी कहा जाता है, तो उस पर जो लिफ्टिंग होगी 20 वॉल्यूम की, तो वो 1-2 लेवल, और अगर सेम हम लेवल 3 ब्लैक हेयर पे करते हैं तो वो 1 लेवल होगी। तो ब्लीच वॉश अमूमन हम जब करते भी हैं तो 1-2 लेवल के लिए करते हैं। इससे ज़्यादा ब्लीच वॉश आपको लिफ्टिंग नहीं कर सकता, और इसको आप फ्री हैंड टेक्निक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई फॉइल यूज़ नहीं किया, बस हमें 1-2 लेवल लिफ्टिंग चाहिए थी। तो हमने यहाँ से कॉपर को ख़त्म करके इसमें ब्लॉन्ड ऐड करना है, डिपॉजिट करना है, तो हमने ब्लीच वॉश का सहारा लिया कि चले हम ब्लीच वॉश कर लें। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लीच वॉश का प्रोसेस है वो एंड करते हैं, और नेक्स्ट उस प्रोसेस पे हम जाएंगे जिसमें हम आपको प्रॉपर प्री लाइटनिंग कट डाउन का मेथड बताएंगे, एप्लीकेशन बताएंगे, मिक्सिंग बताएंगे। तो चले हम स्टार्ट करेंगे कट डाउन का मेथड। अब हम मिक्सिंग करेंगे कट डाउन के लिए। हमने 10 फ्री ब्लीच लिए और इसमें डेवलपर जो जाएगा 30 वॉल्यूम है 1:2 के रेशियो से। वॉल्यूम जब भी आप यूज करें उसको थोड़ा सा शेक करें, शेक करने के बाद आप बाउल में, और इसमें जाएगा 32 ml 30 वॉल्यूम। ये हमारी अब मिक्सिंग हो रही है, हम ब्लीच को मिक्स कर रहे हैं, डेवलपर जो हमने ऐड किया था और ब्लीच। तो ये देखें क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज जब हम इसकी मिक्सिंग करते हैं तो कितना स्मूथ स्ट्रक्चर बन गया। इसमें ब्लीच मिक्स हो गई है, फिर फोर मिक्स हुई है, कोई इसमें ब्लीच बाकी ब्लीच के जो ज़रात है, ठीक है, वो नहीं है। ये आप चेक कर सकते हैं, एक स्मूथ सा स्ट्रक्चर हमारे पास आ चुका है। अभी प्री लाइटनिंग के लिए कट डाउन के लिए हमने जो डमी चूज़ किए उनके हेयर का लेवल अगर आप देखें तो ये लेवल 1 है, ठीक है। हमने डमी इसलिए लेवल 1 चूज़ किया कि आप लोगों को लेवल्स के साथ 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 उसकी भी समझ आ जाए। और इस पर हमने ये ब्लैक है, ठीक है, प्रॉपर ब्लैक हेयर्स है, और इस पर हम अभी कट डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 8090 के लिए डाई के लिए कट डाउन कर रहे हैं, या 8 लेवल का तक कट डाउन के लिए हमने ब्लैक हेयर्स लिए, और इस पर एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। क्राउन से मैंने सेक्शन लिया है, और जब हम लेवल 3 लेवल 4 लेवल 1 पे प्री लाइटनिंग करते हैं और हमने लिफ्टिंग ज़्यादा करनी है तो उसके लिए हम फिर फॉइल यूज़ करेंगे, और आज मैं आपको फॉइल यूज़ करना और फॉइल को बंद करने का तरीका बताऊंगी। क्योंकि अमूमन क्लाइंट कहते हैं कि जब हम प्री लाइटनिंग करते हैं तो फॉइल स्किप हो जाती है। सबसे पहले जब भी आप फॉइल लगाएंगे, फिर जितना सेक्शन पतला सेक्शन आप लेंगे तो उसमें आपकी जो प्री लाइटनिंग है वो अच्छे से होगी। और अभी हमने लगा दिए, ये इसके साथ हेयर इसके साथ चिपक गए, ठीक है। इसके ऊपर अभी हम यहाँ से अब ब्लीच लगाएंगे और एप्लीकेशन आपकी हमारी मिस्टेक हम कहाँ करते हैं, जब हम प्री लाइटनिंग करते हैं तो जल्दी जल्दी में हम एप्लीकेशन कर लेते हैं, और जैसे अभी
मैंने की है और फॉइल हम बंद कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमने जो एप्लीकेशन की है क्या वो प्रॉपर हेयर के ऊपर अप्लाई हो गई है, वो मैं आपको चेक कराती चलूँ। एक हम मिस्टेक ये की कि जल्दी जल्दी एप्लीकेशन कर ली और उसके बाद फॉइल बंद कर दिया। मैंने ये देखा ही नहीं कि जो मैंने एप्लीकेशन की है क्या वो मेरे सारे हेयर्स के ऊपर अच्छी तरीके से अप्लाई हो गई है। नहीं, ये आप देख सकते हैं कि अगर आप इस तरह की एप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट लग गया, यहाँ पे नहीं लगा। और जब मैं 40 मिनट्स के बाद फॉइल को ओपन करूँगी तो यहाँ से ये प्री लाइटनिंग हो चुकी होगी और यहाँ पे पैचेस आ जाते। तो जो कॉमन मिस्टेक्स है वो इसी के होते हैं। तो इसके लिए हमारी जो ब्रश की एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एप्लीकेशन कैसे, ये आपका ब्रश का मेथड है, इसको स्लांट आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो क्लाइंट है उनके हेयर में अच्छे से प्रोडक्ट लग जाए और लास्ट में आप ये चेक कर लें। ये देखें, ये देखें, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट अच्छे से लग चुका है। और अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका जो कट डाउन का या फिर लाइटनिंग का डी कलर का जो लेवल होगा वो इक्वल आएगा, उसमें कोई पैच नहीं बनेगा। एप्लीकेशन करने के बाद अब हम फाइल को बंद करेंगे और फाइल को बंद करने का मेथड ये है कि आप फाइल बंद कर दें। जब आप बंद करते हैं तो उसको एक दफ़ा ओपन कर लें और यहाँ पे आप ब्लीच अप्लाई कर दें। ब्लीच यहाँ पे दोबारा एप्लीकेशन इसलिए मैंने की है कि जब मैं इसको बंद करूँगी और ओपन करूँगी तो वहाँ पे एक पैच बन जाएगा और मुझे पैच नहीं चाहिए हेयर के अंदर से। ये आपकी फॉइलिंग होनी चाहिए हेयर में और इसको आप जब आप एप्लीकेशन करेंगी, जब आप नेप एरिया से स्टार्ट करेंगी एप्लीकेशन, तो जैसे ही आप क्राउन के ऊपर आती हैं, जब आप कट डाउन करती हैं या आप डी कलर प्री लाइटिंग जो भी आप करती हैं, जब आप हम क्राउन तक आते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे आके काम स्टॉप कर देना है। सबसे पहले हमने जो नेप एरिया में हमने फॉइल लगाया उसको हम चेक करेंगे, फिर सेकेंड नंबर पे जो फॉइल है उसको चेक करेंगे। अगर वो प्री लाइटनिंग जो हमारे जो डिज़ायर्ड लेवल है अगर वो आ चुका है तो हम उसको वॉश कर देंगे और नेक्स्ट हम जाएंगे काम पे। आगे हम फिर फ्रंट एरिया पे जाएंगे। चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम नेप एरिया पे फॉइल लगाते हैं और फ्रंट को कंप्लीट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो नेप एरिया के साथ जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है और फ्रंट पे डार्क रह जाता है, जिसकी वजह से कंप्लेंट आती है कि फ्रंट पे नहीं हो रहा, फ्रंट पे नहीं हो रहा। तो आप पहले क्राउन को कंप्लीट करें, फॉइल साथ चेक करें। और ब्लीचिंग के प्रोसेस पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने फॉइल को जल्दी जल्दी चेक करना है। इसमें कोई टाइमिंग नहीं है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप कट डाउन करिए तो 30 मिनट्स में, हेयर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, 15 मिनट्स में भी हो जाते हैं फॉइल्स, 20 मिनट्स में, 1 आवर्स भी लग जाता है। अब जिसको घंटा लगेगा उसको हम कैसे प्री लाइटिंग करेंगे, हम दोबारा रिफ्रेश करेंगे, हम देखेंगे कि 30 मिनट्स हो गए और मैंने क्राउन के ऊपर एक फॉइल लगाई है और उसमें वो कॉपर आ रहा है, तो क्या करूँगी मैं, दोबारा उसको रिफ्रेश कर दूँगी, दोबारा रीएप्लीकेशन कर दूँगी और उसको फॉइल में बंद कर दूँगी, वो हमारा जो 10 लेवल तक है वो हो जाएगी। और जब भी आप ब्लीच की मिक्सिंग करें तो 25 ग्राम से ज़्यादा ब्लीच मत बनाया करें, क्योंकि जब आप ब्लीचिंग प्रोसेस स्टार्ट करती हैं या आप जब डाई करती हैं तो डेवलपर्स का काम होता है आपके, अगर आप ट्यूब में मिक्स करी हैं डेवलपर को तो उसको एक्टिवेट कर देता है और ब्लॉन्डर को भी एक्टिवेट करने के लिए
लिए हम डेवलपर यूज़ करते हैं जो उसको एक्टिवेट कर देता है, उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम कम कम ब्लीच बनाएं, 1 स्कूप, ठीक है, 25 ग्राम बनाएं या 15 ग्राम, जितना जो भी आप वर्क करिए, क्राउन पे हाइलाइट्स करिए, फुल डाई करिए या जो भी प्रोसेस करिए, तो उसके लिए आप कम ब्लीच लें और जब वो ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा बना लीजिए। एक तो क्या होगा कि आपकी ब्लीच ज़ाया नहीं होगी और आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये थी आज की वीडियो हमारी डस्ट फ्री ब्लीच के ऊपर इजी कलर एकेडमी से। और अगर आपको मज़ीद ब्लीचेस के हवाले से जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कैरेटिन ब्लीच और फ्लेक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।